प्रोफेसर पांडे आपसे बात शुरू करते हैं। कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच गई कि जहां उसको उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मैप को दिमाग में रखते हुए कोई तस्वीर बनाने की कोशिश की तो उसमें कांग्रेस का रिलेवेंस खत्म हो गया धीरे धीरे। 2% वोट उसके पास विधानसभा में आया कुल, और 4.5% इसमें आया। बीएसपी जरूर एक रही कि भाई ठीक है, कभी 16%, कभी 18%, कभी 22% सरकार ना भी तो भी इतना वोट रहता था। वो घटते घटते 14 पे आया, फिर 13 पे आया, घटते घटते 8 हो गया। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति दो ध्रुवीय राजनीति की ओर बढ़ रही है प्रोफेसर पांडे? जी अमिताभ जी, अभी जो विधानसभा में जो अभी ट्रेंड दिखा है जी, और अभी निकाय चुनाव में भी जो ट्रेंड दिखा है, बल्कि निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन चूंकि पार्टी सिंबल पर लड़े गए, तो उसे एक प्रवृत्ति जरूर समझ में आ रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो पोलराइजेशन हो रहा है वो सीधे समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सामने दो बड़ी समस्याएं आई, एक तो विचारधारा के स्तर पर और दूसरा नेतृत्व के स्तर पर। खासतौर पे कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है, एक समय था जब दलित समाज के और पिछड़े वर्ग के समाज के और ब्राह्मण समाज से भी कई ऐसे बड़े नेता जुड़े बहुजन समाज पार्टी से, और पार्टी का आधार काफी व्यापक होगा, लेकिन लगातार सत्ता से बाहर रहने के कारण और कहीं ना कहीं नेतृत्व का संकट आया। जैसा एक दलित समाज को नेतृत्व चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो लाभार्थी के रूप में एक नया वोट बैंक तैयार किया, दलित समाज को उससे काफी लाभ हुआ और बड़े पैमाने पर दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़े हैं। हालांकि तमाम ऐसा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं गया और समाजवादी पार्टी की तरफ गया, और जो स्थानीय चेहरे थे अलग अलग जातियों के, जिनका अपनी अलग अलग जातियों बहुत अच्छा आधार था, जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में अपना अच्छा राजनीतिक भविष्य नहीं देखा, या तो वो भारतीय जनता पार्टी की ओर गए या वो समाजवादी पार्टी की ओर गए। तो इसलिए अमिताभ जी, जो पार्टी का बेस वोट बैंक था वह नेतृत्व का स्पष्ट संकेत न मिल पाने के कारण, नेतृत्व की उदासीनता के कारण, और जो खासतौर पर क्षेत्रीय राजनीति है उसमें ऐसे जो प्रभावशाली चेहरे थे उनकी अनुपस्थिति के कारण बसपा काफी कमजोर हुई है जी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में, अभी जो अगले लोकसभा चुनाव में भी दिख रहा है कि बायोपोलर ही होने जा रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। ठीक, लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि चुनाव के समय तक और कौन कौन से गठबंधन बन सकते हैं और कौन सी नई नई प्रवृत्तियां सामने आ सकती है जी। ठीक, देखिए गठबंधन और बंधन ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि गठबंधन कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है कि जिसको पा लिया तो सब पा लिया। देश का सबसे दुर्धर्ष गठबंधन, मैं दुर्धर्ष शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, 19 में हुआ था सपा और बसपा का गठबंधन, अजीत सिंह की पार्टी भी उसमें शामिल थी। क्या हुआ? जरूरी नहीं, ये कोई संजीवनी विद्या नहीं है कि मृत व्यक्ति को सूंघा दी संजीवनी, वो उठ के खड़ा हो गया। ना ना ना, उत्तर प्रदेश इस बात की गवाही दे चुका है। और 20% 25% वोट के हिस्सेदारी में 5-6 दल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े हुए राज्य में रहेंगे। वो पीस पार्टी होगी अयूब साहब की, अजीत सिंह की पार्टी होगी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी रहेगी अपना दल, अनुप्रिया की पार्टी रहेगी अपना दल, बसपा रहेगी, कांग्रेस, ये सब मिला के मिक्स्ड आचार जिसको बोलते हैं पचरंगा आचार, 25% मान लो, उस पर चिंतन की जरूरत नहीं रहती। चिंतन इस पर होता कि जो 75 बचा इसमें दो दावेदार कौन से हैं, उसी को बाइपोलर बोलते हैं। बाइपोलर का मतलब यह नहीं कि बाकी कोई चुनावी नहीं लड़ेगा। कर्नाटक की राजनीति बाइपोलर हो गई जेडीएस के दरकने से, तो वहां की तस्वीर बदल गई कि नहीं बदल गई? कर्नाटक के मुस्लिम मतदाता ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया, जेडीएस को हटा दिया, बोले भाई हमको जब बीजेपी से लड़ती कांग्रेस दिख रही तो जेडीएस का क्या मतलब, तो जेडीएस खत्म हो गई, बाइपोलर हो गई पॉलिटिक्स। मैं वही बात कहने की कोशिश कर रहा कि क्या उत्तर प्रदेश में वैसा हो रहा। करदम साहब, आपको क्या नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक चुनाव दो चुनाव में आप
का वोट कम हो जाए, दूसरे में ज्यादा हो जाए, वो बाउ लगा रहता है, फ्लक्चुएशन बोलते हैं उसको, ठीक। लेकिन एक होता है निरंतर गिरावट या निरंतर उठान, वो दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं। निरंतर उठान बीजेपी का एक उदाहरण है और निरंतर गिरावट का कांग्रेस का उदाहरण है। क्या कहां से चली और 2% पे आ गई? क्या बसपा भी उसी रास्ते पे जा रही है? देखिए, बसपा का भी जो हम इतिहास देखते हैं तो उसका भी एक बार एक निरंतर उठान था जब माननीय कांशीराम जी थे जी। तो उस समय वो निरंतर धीरे धीरे उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा था, उसकी सीटें भी बढ़ी थी स्थानीय निकायों में भी, विधानसभाओं में भी और संसद में भी। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो जो उठान था वो गिरावट की ओर है, और इस गिरावट के लिए कोई दूसरा और जिम्मेदार नहीं है, खुद बहुजन समाज पार्टी अपने आप में जिम्मेदार है जी। क्योंकि इस पार्टी का गठन जिस वैचारिकी के आधार पर हुआ था, जिस सिद्धांत के आधार पर हुआ था, वो अब वो कहीं दिखाई नहीं देता। दूसरा कि इसकी भूमिका इस पार्टी को खड़ा करने में जो बामसेफ की भूमिका थी, बामसेफ के कार्यकर्ता थे जो गली गली गांव में काम करते थे, बूथ लेवल पर काम करते थे, जो जाते थे, अब वो बामसेफ अब खत्म हो गया। अब है भी तो वो कई टुकड़ों में बट करके वो, यानी कि राजनीति ने उस सामाजिक संगठन को खत्म कर दिया। अब हुआ क्या, बसपा के पास नेता है, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाले लोग नहीं। दूसरा, लोगों को समझा सकने के लिए कि वो जो वैचारिकी से, जो विचारधारा से जो भटकाव हुआ उसको कैसे पटरी पर लाया जाए, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बसपा के सामने रही। दूसरा ये है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट के लिए जनता के पास जाना पड़ता है, उसके लिए जनता को दिखाना पड़ता है हम आपके लिए कर रहे हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे वो दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, चाहे वो उनको बेरोजगारी की घटनाएं हैं, चाहे कहीं उनके शोषण की दिक्कत है, चाहे स्वास्थ्य समस्या, चाहे शिक्षा की, कोई कहीं भी किसी मामले में बसपा कहीं भी जो जनता के जो आम मुद्दे हैं या दलितों के भी जो उनका बहुजन समाज का जो वोट बैंक है उनके मुद्दों पर कहीं भी लड़ती या आवाज उठाती दिखाई नहीं दे रही। जब दिखाई नहीं देगी तो जनता वोट कैसे, किसको वोट दे? बड़ी अच्छी बात। तो ये चीज, ये तो बसपा इसके लिए जो गिरावट आ रही है वो खुद जिम्मेदार मुझे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी बात की करदन साहब ने, जनता को संघर्ष करते दिखना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा, आज मायावती जी ने एक नारा फिर दोहराया, ये कांशीराम जी के समय का नारा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कांशीराम की सभाओं में लगता था नारा। मैं इस नारे से 100% सहमत हूं, लेकिन कितनी भाई आपके पास आ रहा हूं एक सवाल का, लेकिन वोट तो हो आपके पास तब राज रहेगा, जब वोट ही नहीं रह बचा आपका तो राज कहां से आ जाएगा? जब वोट था, मेरी बात की गवाही देंगे सारे लोग, जब वोट था तो 66 MLA पर आप देश के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हो गई थी। एमएलए भले 66 आए थे लेकिन वोट था आपके पास, ठीक। तो आप यूपी की चीफ मिनिस्टर हो गई थी और एसएन सिंह की पार्टी आपकी पालकी ढो रही थी, क्या डंडा भी खा रही थी और जिंदाबाद भी कर रही थी, क्योंकि आपके पास वोट था। हर देश के हर पार्टी को यह समझ थी कि बसपा का मतलब उत्तर प्रदेश में 1/4 25% वोट है इसकी पॉकेट में, जीते चाहे हारे, क्या तो जलवा कायम था। अब 8% वोट पर यह नारा ठीक नहीं है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, जिसके पास वोट है राज उसी का है। अभी भाजपा के पास वोट है तो राज भाजपा का है, इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती भाई साहब ना, यही तो लोकतंत्र है। खैर, कीर्ति निधि जी, समाजवादी पार्टी बाइपोलर अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति हो जाए पूरी तरह, तब भी मुझे एक आपकी पार्टी के साथ एक समस्या ये दिखती है कि उसका सामाजिक आधार सीमित है। MY समीकरण उसमें छोटा छोटा कुछ और इनपुट मान लीजिए, कहीं मैं रामाचल राजभर है, कहीं कुछ इस टाइप से थोड़ा थोड़ा मान लीजिए स्वामी मौर्य है, ठीक। लेकिन वो पूरा के पूरा भी इलेक्शन में वोट के रूप में कन्वर्ट हो जाए आपका सोशल बेस, तब भी वो पिछले विधानसभा चुनाव को मान के चलिए वो सर्वोत्तम परिणाम है। तो बाइपोलर होने के बाद भी सपा बहुत लाभान्वित मुझे नहीं दिखती, बस इतना हो जाएगा कि मुस्लिम आपके साथ एन ब्लॉक आ जाएगा,
बसपा को एक बार और झटका लगा तो जो मुस्लिम मतदाता है उत्तर प्रदेश में वो बसपा का नाम काट देगा अपने फोन से, डिलीट कर देगा नंबर। वो कहेगा भाई ये नहीं कुछ कर पाएंगे, साइकिल वालों को दो। लेकिन इतने से बात बनती है क्या पांडे जी? देखिए अमिताभ जी, जो बात आप कह रहे हैं कि केवल एमओआई समीकरण, केवल एमओआई समीकरण नहीं है, समाजवादी पार्टी लगातार समाज के सभी वर्गों की बात कर रही है, लगातार मुद्दों के आधार पर सदन के अंदर भी बोल रहे हैं, सदन के बाहर भी बोल रहे हैं हमारे नेता। लगातार निकाय चुनाव में भी हम बेहतर करने का प्रयास किए हैं, बेहतर लड़ने का प्रयास किए हैं, और हम स्वीकार करते हैं कि महापौर के सभी सीटों के चुनाव में हम चुनाव हार गए। 9 सीटों पर हमारे उम्मीदवार सेकंड पोजीशन पर रहे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चेयरमैन की बात करेंगे तो अगर जितना ग्रोथ चेयरमैन के सीटों में भारतीय जनता पार्टी का, उतना ग्रोथ समाजवादी पार्टी का। 98 सीट का लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी और 98 सीट का लाभ समाजवादी पार्टी को। नगर पालिका की सीटें भी 17 सीटें हमारी बढ़ी। तो इस तरीके से गांव की राजनीति में समाजवादी पार्टी का जनाधार 2017 की अपेक्षा अगर आप कंपेरिजन करेंगे 2023 में, तो टाउन एरिया में और नगर पालिका में हमारी ताकत बढ़ी है। और एक बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के अंदर मुकाबला करेगी। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को भी यह फैसला करना, उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले उन लोगों को, मतदाताओं को भी यह फैसला करना कि जो लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं, जो किसान के सवाल पे समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, जो जाति जनगणना के सवाल पे समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा, जो महंगाई के सवाल पे समाजवादी पार्टी के साथ, जो बेरोजगारी के सवाल पे समाज, इन सभी लोगों को एक मन बना करके समाजवादी पार्टी के साथ आना है। और 2024 की लड़ाई बेहद रोचक होगी, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी तो दूसरे तरफ का नेतृत्व आदर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही करेगी। ठीक ठीक कितनी दीजिए, बड़ी अच्छी बात कही।